हम रोज ही इंडियन नोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंडियन नोट्स बनाने के लिए कितना खर्चा होता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। इंडियन नोट्स छपने के लिए चार प्रेस है। इनमें से द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL, इस SPMCIL के पास दो प्रिंटिंग प्लांट्स है, एक है देवास में और दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM के अंदर दो जगह पे नोट प्रिंट होता है, एक मैसूर पे, दूसरा बंगाल पे। इंडियन नोट बनाने की खर्चा वेरी करता है SPMCIL और BRBNM के ऊपर। RBI के अनुसार एक 5 रुपये के नोट बनने के लिए खर्चा होता है लगभग 50 पैसा। 10 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा होता है 96 पैसा। 20 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा होता है 1 रुपी 21 पैसा। 50 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा आता है 1 रुपी 81 पैसा। 100 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा होता है 1 रुपी 51 पैसा। 500 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा होता है 2 रुपी 97 पैसा। इसी तरह 1000 रुपये की एक नोट बनाने के लिए खर्चा होता है 3 रुपी 73 पैसा, और नया 2000 रुपये की एक नोट बनता है 3 रुपी 76 पैसा से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।